नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन पे दिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचारों के आंकड़े कहीं ज्यादा रहे। आज हम आपको बता रहे थे हाथरस का वो गैंग रेप, जो कुछ दिनों पहले हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हाथरस में एक नाबालिग के साथ गैंग पीड़िता के साथ जो दुष्कर्म का मामला हुआ था और जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, आज उस पीड़िता हाथरस की उस पीड़िता की मौत हो गई है। आप हम आपको बता रहे विस्तार से कि क्या मामला है। हाथरस की इस पीड़िता अपने गांव में चारा लेने गई थी, जहां युवकों ने चार उसी के गांव के युवकों ने उसका दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद उसकी गले को तोड़ दिया और उसकी जीभ को काट दिया और रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ी, जिसके बाद उसको वहां एडमिट करने के बाद दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के साथ उसे एडमिट कराया गया, जहां आज सुबह मंगलवार को उसकी मौत होने की सूचना मिली। आइए नजर डालते हैं हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली हाथरस के इस गैंग रेप पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। चंदपा थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद उसे अलीगढ़ के JN मेडिकल में भर्ती कराया गया था। कल ही उसे सफदरजंग रेफर किया गया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार युवती का शव शाम तक गाँव लाया जाएगा, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 19 साल की एक दलित युवती के साथ घिनौनी वारदात 14 सितंबर को तब घटी थी जब युवती पशुओं का चारा लेने के लिए अपनी मां के साथ खेत पर गई थी। आरोप है कि गांव के ही चार दरिंदों ने उसे एक खेत में खींचकर गैंग रेप का शिकार बना डाला और हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ती देख उसे सफदरजंग रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात से आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक एक करके वारदात के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया। रविवार को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पीड़िता से मिलने अलीगढ़ आए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वारदात पर अपने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। पीड़िता के पिता को प्रशासन ने 4,12,000 की आर्थिक मदद दे दी है।